तो दिल ये हासिल हो गया। हेलो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का 3D स्टेटस एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, जिससे कि हमारे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। और अगर गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गाइस अपने फ़ोन में लाइट मोशन ओपन करना, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, यहाँ से रेशो सेलेक्ट कर लेना, 4.5 का रेशो सेलेक्ट करना, क्रिएट एंड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो पे जाना, यहाँ से आप ये वाला PNG सेलेक्ट कर लेना। अब इसका साइज बड़ा करने के लिए मूव एंड ट्रांसफर पे जाना और यहाँ से ये इसका साइज बड़ा कर देना। इसके बाद इसको ऐसे एडजस्ट ऐसे कर देना। इसके बाद दूसरा PNG लेने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो पे जाना, यहाँ से आप ये वाला PNG ले लेना। फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, इमेज एंड वीडियो पे जाना होगा एंड यहाँ से आप एक और मैन वाला PNG ले लेना होगा। इसके बाद जिस भी सॉन्ग पे आप स्टेटस एडिट करना चाहते हैं उस सॉन्ग को ले लेना। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, ऑडियो पे क्लिक करना और यहाँ से आप जिस भी सॉन्ग को स्टेटस एडिट करना चाहते हैं वो ले लेना। मैंने सॉन्ग को पहले से कॉपी किया हुआ है तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। जितने सेकंड का आपका सॉन्ग है उतने ही सेकंड के आप ये हाल PNG कर देना। इसके लिए आपको PNG पे क्लिक करना, टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड यहाँ से इसको लास्ट तक कर देना। ऐसे ही आप हाल PNG लास्ट तक कर देना। इसके बाद फर्स्ट वाले PNG पे क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना एंड यहाँ से आपको बिल्कुल शुरू से कर देना है एंड एक शुरू में प्लस वाला आइकन देना एंड एक बिल्कुल लास्ट में प्लस वाला आइकन दे देना। लास्ट वाले प्लस आइकन पे जाना एंड इसको यहाँ से ये लास्ट तक कर देना। तो कुछ इस तरह का आपका होगा। इसके बाद सॉन्ग के लिरिक्स लिखते हैं। सॉन्ग के लिरिक्स लिखने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, सबसे पहला टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो पहला लिरिक्स लिख लेता हूँ। इसका कलर चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर देना। और ये लाइनें मिडिल में कर देना और यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर देना एंड यहाँ से आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट लिरिक्स जितने जहाँ तक ख़त्म होता है उतने देख लेते हैं। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाना एंड यहाँ से आपको ऐसे इस साइड से रख देना है। इसके बाद आपको फर्स्ट में प्लस आइकन देना एंड एक बिल्कुल लास्ट में प्लस आइकन दे देना है। फर्स्ट वाले प्लस आइकन में आपको कुछ नहीं करना एंड लास्ट वाले प्लस आइकन पे आपको जाना है एंड इसके लिरिक्स को यहाँ से ऐसे इस साइड में कर देना है। तो कुछ इस तरह का आप लिरिक्स। इसके बाद आपको दूसरा सेकंड लिरिक्स लिखना है। तो फर्स्ट वाले लिरिक्स पे क्लिक करना एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लेना एंड पेस्ट कर देना एंड सेकंड लिरिक्स अपना लिख लेना। इसी तरह से आप सारे लिरिक्स लिख लेना। सारे लिरिक्स लिख लेने के बाद आपको ये अच्छे तरह से अभी नहीं हुआ है, इसके लिए आपको ये वाला PNG है इसको बिल्कुल
अप कर देना। इसके बाद रैन वाली वीडियो के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो पे जाना एंड यहाँ से आप रैन वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेना एंड इसको स्क्रीन कर देना। इसके बाद रैन वाली वीडियो पे क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना, लाइटिंग पे क्लिक करना एंड स्क्रीन कर देना। ये रैन वाली वीडियो आप फर्स्ट लिरिक्स के नीचे कर देना। आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। सफर हो गया।